हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों देखिए, ये गीज़र का पॉइंट बना हुआ है। इसका जो सॉकेट बिल्कुल सही है, लेकिन स्विच जो है ना थोड़ा ख़राब हो गया है। स्विच में ये है कि दबाए रहने पे इसमें सॉकेट में करंट आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसे कंबाइंड को, एक रनिंग बोर्ड को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से। बोर्ड हमने खोल लिया है, अब हम इसके कनेक्शन हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंबाइंड का सॉकेट बिल्कुल सही है और स्विच ख़राब हो गया है। स्विच थोड़ा लूज़ हो गया है, स्पार्किंग कर रहा है। ये देखिए, दोनों तार हमने निकाल दिए कंबाइंड के। ठीक, अब देखिए, ये हमने लिया है एंकर का, एंकर पेंटा पीसी, ये हमने कंबाइंड लिया है। ये हम इसमें लगाएंगे, हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, ये एंकर पेंटा पीसी का हमने ले लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो इसमें जॉइंट होता है बीच में, स्विच से सॉकेट में जो जॉइंट देते हैं, हम पहले जॉइंट को दे देते हैं। ये देखिए, ये जो हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जो काट के देते हैं, वो फेस देते हैं सॉकेट को। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप स्विच से काटेंगे तो वो फेस काट, स्विच से जो काटेंगे वो फेस काटेंगे। देखिए, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने काट के और सॉकेट को फेस दे दिया है। हमेशा स्विच से फेस काटा जाता है, लाइन काटी जाती है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा आप। ये देखिए, स्विच से हमने काट के सॉकेट को फेस दे दिया है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या है, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमें देना है फेस, जो लाइन के दो तार हमने निकाले हैं ये। ठीक है, हम टेस्टर से चेक करें, देखिए फेस आ रहा है इसमें, टेस्टर से चेक कर लेंगे। देखिए फेस आ रहा है, ठीक, टेस्टर चेक करके स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर दे देंगे फेस। हमेशा ध्यान रखिए, स्विच पे फेस दिया था, फेस दे दिया, अभी हम इसमें कस देंगे। हमेशा रनिंग बोर्ड में हमेशा ध्यान रखें, या तो लाइन बंद करके काम करें, या फिर जब भी ऐसा काम करें तो बहुत सावधानी से काम करें। देखिए फेस आ रहा है इसमें, ठीक है। अब जो सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट है, उसमें जो हमारा दूसरा तार बचा है न्यूट्रल, वो हम दे देंगे, क्योंकि सॉकेट पे न्यूट्रल दिया जाता है डायरेक्ट। दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मददगार होगी कि इस टाइम हम गीज़र हीटर रूम हीटर चला रहे हैं तो हमारे इस तरह के बोर्ड ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कंबाइंड सॉकेट जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम इसमें लगा देंगे, ये देखिए चल गया ये। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।